उदाहरण 6, 5,600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उदाहरण 6, हल। प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है, पर इसके लिए पहले हमें मिश्रधन ज्ञात करना होगा और हम जानते हैं कि मिश्रधन A बराबर कितना होता है, मूलधन P गुणित एक धन R बटे 100 पूरे की घात N, जहां R दर है और N समय है। हम देख लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ P यानी कि मूलधन बराबर हमारे पास दिया हुआ है, मूलधन बराबर 5,600 रुपये, दर जो है दर R बराबर कितनी हो जाएगी, 5% वार्षिक, और उसके बाद समय n बराबर 2 वर्ष। चलिए इन सभी का मान हम सूत्र में रख ले तो मिश्रधन A बराबर हमें मिलेगा, P का मान मूलधन 5,600, एक धन R कितना है 5% बटे 100 पूरे की घात, समय हमारे पास है 2 वर्ष। इसे हल कर लेते हैं, 5,600 एक धन 5/100 को हम हल करके लिख सकते हैं 1/20 पूरे की घात फिर से 2, और उसके बाद 5,600 एक धन 1/20 को हल करने पर मिलेगा 21/20 और पूरे की घात 2। चलिए आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ था मिश्र धन A बराबर 5,600 गुणित 21/20 पूरे की घात 2। इसे आगे हल कर ले तो हल करने के लिए हम इसे घात 2 को 2 बार लिख सकते हैं, घात 2 है इसलिए 21/20। इसे हल करने के लिए यदि हम 20 के पहाड़े से हल करें तो 20 एकम 20, ये से कितनी बार कटेगा, 280 बार। उसके बाद पुनः हल करें 20 के पहाड़े से, 20 एकम 20, और ये कटेगा इससे 14 बार में। तो अब 14 गुणित 21 गुणित 21 करने पर हमें मिश्रधन जो है वो प्राप्त होगा 6,174 रुपये। तो अभी हमें मिश्रधन A बराबर कितना प्राप्त हुआ है, A बराबर मिल गया है 6,174 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन, मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन कितना मिला, 6,174 रुपये, और मूलधन कितना दिया गया है, 5,600 रुपये। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 574 रुपये, यानि कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, प्रश्न में चाही गई जानकारी थी चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमें मिला 574 रुपये। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ।